एम सॉल्यूशन के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में ना मैं पॉलिटेक्निक की बात करूंगा, ना मैं इंटरमीडिएट की बात करूंगा, ना मैं किसी न्यूज़ की बात करूंगा, ना ही किसी रिजल्ट की बात करूंगा। सीधे मैं बात करूंगा आपके भविष्य की बात करूंगा, आपके फ्यूचर की बात करूंगा। अगर आप 18 साल की उम्र में टच करने वाले हैं, 2-4 महीने कम है तो भी चलेगा। सुनिएगा ध्यान से, बात पूरी सुनिएगा, स्पष्ट रूप से सुनिएगा। आप पॉलिटेक्निक एग्जाम देने में बिजी हैं, कुछ लोग देके आ गए घर पे तसल्ली से हैं, आंसर शीट का इंतजार कर रहे हैं। उनकी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उन्हीं बेचैनियों के बीच में एक सूचना आ गई जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप 10वीं पास हैं, क्लियर। 18 साल की उम्र में आप टच करने वाले हैं, क्लियर। तो आप एक काम कीजिए, 28 जून से आतो अंति 30 जून है ना, 28 जून से पेट एग्जामिनेशन देने का फॉर्म शुरू हुआ है। और पेट क्या है? पेट का मतलब होता है, यह एक ऐसी परीक्षा है उत्तर प्रदेश की कि इस परीक्षा को पास करने वाले लोग ही उत्तर प्रदेश की सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भर करके मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि यह एक तरीके से प्री एग्ज़ाम है। जो इस एग्ज़ाम को पास करेगा वह आने वाले भविष्य में सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भर करके उसकी परीक्षा दे पाएगा। जो ये एग्ज़ाम नहीं पास करेगा वो आने वाले समय में सरकारी नौकरियों का फॉर्म नहीं भर सकता। अगर फॉर्म भर भी दिया तो मुख्य परीक्षा में उसको बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। कुल मिला जुला करके जैसे होता है ना कि जो 10वीं पास रहेगा वही ना 12वीं में जाएगा, और जो 10वीं नहीं पास रहेगा वो 12वीं कैसे जाएगा। तो ठीक ऐसे ही आपको BDO बनना है, कानून को बनना है, लेखपाल बनना है, जूनियर असिस्टेंट बनना है, या क्लर्कियल विभाग की कोई भी जॉब करना है, या अधिकारी रैंक का भी कोई जॉब करना है UP में, तो आपको पेट एग्ज़ाम पहले पास करना है, ठीक है। तो ये पेट एग्ज़ाम पास करने का सिलेबस बहुत लो है। जिस तरह से आपने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए मेहनत किया, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मेहनत किया, सिर्फ और सिर्फ उतना ही मेहनत करके आप पेट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र नहीं भी हुई है तो आपके 1 साल 1.5 साल बड़े भाई बहन होंगे ना, आप उनको इसके बारे में बताइए। नहीं बता सकते तो मेरी वीडियो उनको भेज दीजिए, वे खुद मुझसे जानकारी ले लेंगे। तो पेट एग्ज़ाम का शुरुआती डेट 28 जून से फॉर्म भरा जा रहा है, 27 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की जो फीस है सिर्फ 185 रुपया जनरल और OBC के लिए, 95 रुपया SC और ST के लिए, 25 रुपये विकलांग के लिए। फीस तो बहुत नॉर्मल है भाई। अब मैं बात करता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कितनी चाहिए। कम से कम 10वीं पास तो आप तो हैं ही, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कोई शक संदेह है नहीं। और उम्र मैंने बता दिया 18 कम से कम, और अधिक से अधिक 40 साल, यानी आपके चचा भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप तक पहुँचाना मुझे लगता था कि ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पहचान में आपके बड़े भाई बहन, फ्रेंड, रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार, पड़ोस के लोग, कोई ना कोई तो है जो आपसे 2 क्लास 1 क्लास सीनियर है, उसको इसके बारे में बताइए। खुद आप उस कैटेगरी में हैं, खुद आप उस स्टेज पर पहुंचने वाले हैं, खुद फॉर्म भरिए। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई BA कर रहा है तो वह फॉर्म नहीं भरेगा। अरे यार, हम कहते हैं पॉलिटेक्निक भी करते रहो, BTEC भी करते रहो, BA भी करते रहो, BSc भी करते रहो। अगर उम्र हो गई है तो इन परीक्षाओं को भी देते रहो। नहीं अगर तुम सीरियसली दोगे, थोड़ा ऐसे ही ट्राई करने के लिए दे लो, आजमाने के लिए दे लो, खुद को अब तौलने के लिए दे लो, खुद को उन लोगों के बीच में अपने आप को जज करने के लिए भी एग्ज़ाम दे दो। हो सकता है अच्छा नंबर आ जाए, हो सकता है इसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठ जाओ, BA फाइनल होने से पहले कोई गवर्नमेंट जॉब फाइनल हो जाए। यह नहीं होता कि हम सारी पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद हम सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़ेंगे। ऐसी सोच रखने वाले बहुत विलंब कर देते हैं। आप पढ़ते रहिए, आप अपनी उम्र और अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म भरते रहिए, ट्राई करते रहिए, किस्मत कहीं ना कहीं आपको आपके मंजिल तक पहुंचा देगी, ठीक है। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अब इसको बाद में करूंगा, बाद का काम बर्बाद होता है, और आप अपने आप को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेंगे, और मैं भी नहीं चाहूँगा कि आप किसी तरीके से बर्बाद हों। मैंने आपको पढ़ाया 10वीं 11वीं 12वीं पॉलिटेक्निक, आप मुझसे 3 साल 4 साल से जुड़े हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, आपके भाई बहन देखे हैं बड़े वाले, तो ऐसा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर की फिक्र मुझे करनी चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल के फैमिली मेंबर जैसे हैं, इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज है, अमल करना आप लोग का फ़र्ज है। तो मैं अपना फ़र्ज निभाऊंगा
आप अपना फर्ज निभाइए, कहीं अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख लिख के मुझे सुझाइए, मैं उस पर सुधार करूंगा, फिर आगे आपसे फिर बात करूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में समय देने के लिए। आने वाले टाइम में आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियोस लाऊंगा, एकेडमिक पढ़ाई लिखाई की भी वीडियो, मोटिवेशन की वीडियो, कैरियर की वीडियो, सारी वीडियो आपको मिलेंगी। थैंक यू।